अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ तिल मखाना गुड़ की चिक्की। इसके लिए 2.5 कप मखाना है, ये लोटस सीड बोलते हैं इसको, फूल मखाना। इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने के लिए एक पैन रख ली हूँ मैं। इसमें पैन गर्म हो चुका है, गैस का फ्लेम धीमा है। इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ रोस्ट करना है। अभी इस तरह है नरम। रोस्ट करने के बाद कुरकुरा बनेगा। 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लूँ मैं, आप देख लीजिए। इसको निकाल लेंगे। इस तरह होने तक इसको अच्छे से भून लूँ मैं। क्रिस्प हो चुका है। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी पैन में डाल देंगे 1/4 कप यानी 4 टेबलस्पून के करीब तिल, वाइट तिल। ये भी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। कैल्शियम से भरपूर है ये। इस ठंडी के मौसम में आप इस तरह इस्तेमाल कीजिए। इसको भी अच्छे से भून लेंगे लगातार चलाते हुए। चटक रहा है, इसको निकाल लेंगे। उसी पैन में गुड़ डाल रही हूँ मैं, 1 कप से थोड़ा कम गुड़। पाक साफ होना चाहिए गुड़। इसी में डाल देंगे 2 टेबलस्पून पानी। गैस का फ्लेम धीमा है। इसको अच्छे से पिघला लेंगे। गाढ़ी चाशनी, दो चिक्की में जो बनाते हैं ना, इस तरह बना लेंगे। 4 टेबलस्पून मूंगफली ले रही हूँ मैं, रोस्टेड मूंगफली है ये। इसको इसमें डाल के दरदरा कूट लेंगे। दरदरा हो चुका है, इस तरह कूट ली हूँ मैं। इसको एक साइड रख देंगे। अच्छे से मेल्ट हो चुका है, इसको अच्छे से पका लेंगे। एक बोल में पानी डाल चुकी हूँ मैं। इसी में इसको डाल देंगे एक ड्रॉप्स। इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह करने से टूटना चाहिए। जब सही बन पाएगा ये, और भी थोड़ा पका लेंगे। गाढ़ा हो चुका है, अभी चेक कर लेंगे दोबारा पानी में डाल के। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे इसी तरह। टूट चुका है, इसका मतलब सही से बन गया है। अभी गैस को हाफ कर लेती हूँ मैं, गैस को बंद कर ली हूँ मैं। अभी गर्म है, इसी में डाल देंगे 1 टीस्पून घी डाल देंगे। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ मैं। गैस बंद है, पैन अभी गर्म है। इसी में डाल देंगे रोस्ट किया हुआ भुना कूटा पीनट, मूंगफली को डाल देंगे। इसी के साथ में डाल देंगे तिल। इसी में डाल देंगे मखाना। इन सभी को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कोट होने तक। अच्छे से मिक्स कर लियो मैं, अच्छे से कोट हो चुका है। इसको फटाफट एक प्लेट में निकाल लेंगे, बड़ी वाली प्लेट में निकाल देंगे। इसको अच्छे से फैला लेंगे। इस प्रोसेस को थोड़ा जल्दी करना है। इस तरह अलग अलग कर लेंगे। अभी गरम, थोड़ा गरम में ही करना है। सेट होने के बाद ठीक से नहीं बन पाएगा ये। इस तरह खिले खिले हमारी चिक्की बनकर तैयार हो चुकी है। डिशोल्व करके बताती हूँ मैं। डिशोट कर चुकी हूँ। हमारा गुड़ मखाना तिल की चिक्की बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको एयरटाइट कंटेनर में डालकर 3 महीना स्टोर कर सकते हो। हेल्दी है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर लाइक कीजिए। इस
ठंडी के मौसम में इस तरह बनाकर खाइए, आपकी हड्डियों भी मजबूत रहेगी, जो भी दर्द हड्डियों में दर्द घुटनों में दर्द भी दूर हो जाएगा और हेल्दी भी है। बिना चीनी के आप इस तरह बनाकर खिलाइए अपने परिवार को। उम्मीद है कि आपकी रेसिपी पसंद आई होगी, इसे ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। मेरी रेसिपी देखने वालों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। मुझे भी दुआ में याद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिए, मुझे भी दुआ में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।